शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनिजा मॉल, अपोजिट गांधी मार्केट, नियर ICICI बैंक, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर। और दोस्तों, हरि सिद्धि मंदिर से जैसे ही हम 200 मीटर आगे के लिए बढ़ेंगे तो भगवान शंकर का ये मंदिर, यहाँ पर माँ कुंती मैया ने यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी, और यहाँ पर कुंतलपुर में कुंती मैया का लालन पोषण हुआ था, और यहाँ पर ये मंदिर स्थित है माँ कुंती मैया का। और इस जगह से महाभारत काल की बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण का जन्म यहाँ पे हुआ था, सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म यहाँ पे हुआ था। पूरी कहानी मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हाँ, आपका तो नाम? बेताल सिंह है, हम तो सेवक हैं यहाँ। अच्छा, आप यहाँ के सेवक? महाराज जी भी चित्रकूट जी, गए जी, हुए हैं। महाराज जी चित्रकूट हैं। तो बेताल सिंह जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ की जो कहानी है, जो महाभारत काल की, ये कुंतलपुर जो ग्राम है वो द्वापर का है, और उस समय यहाँ स्टेट हुआ करती थी। यहाँ के राजा कुंतल नरेश थे। ये शंकर जी का मंदिर और ये प्रतिष्ठा बहुत पुरानी है, द्वापर की ही है। तो एक बार द्वापर में दुर्वासा ऋषि चातुर्मास के लिए यहाँ कुंतलपुर आए थे। खबर मिली तो महाराज वहाँ से मिलने के लिए आए, और महाराज ने निवेदन किया कि महाराज आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताएं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं, 4 महीने, अगर आप सेवा कर सकें तो हाँ करें। तो वो हाँ कर गए, और घर पे जा कर के अपने सेवकों से, रानियों से कहा कि हम दुर्वासा ऋषि से चातुर्मास की सेवा के लिए हाँ करके आए, करनी पड़ेगी। सबने मना कर दिया कि हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि क्रोधी स्वभाव के थे, अगर कहीं सेवा में चूक हो गई तो श्राप भी दे सकते हैं। अब राजा बड़े चिंतित, क्योंकि उन्होंने महाराज को वचन दे दिया, दुर्वासा ऋषि को, उधर सब लोग मना कर गए। तो ये कुंती पुत्री बहुत छोटी थी, इनने कहा पिताजी आप क्यों परेशान हैं? तो महाराज ने कहा कि आज मैं एक संत को वचन दे के आया हूँ, और सारे लोगों ने मना कर दिया उनकी सेवा के लिए, अब मैं क्या करूँ, मेरे वचन का क्या होगा? तो कुंती बेटी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं उनकी सेवा करूँगी। तो सुबह ही महाराज आए और दुर्वासा ऋषि से पूछा कि महाराज आपको चातुर्मास कहाँ करना है? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप हमारे पीछे पीछे चलिए, हम आपके आगे चलते हैं। और वो यहीं शंकर जी के मंदिर पर आ गए। ये सब उस समय कुछ नहीं था, केवल शंकर जी की शिवलिंग थी। तो यहाँ आके चातुर्मास किया उनने, 4 महीने, और कुंती पुत्री ने अपने सेवकों के साथ उनकी सेवा की। 4 महीने पूरा होने के बाद दुर्वासा ऋषि ने कहा, बेटी बहुत बड़ी सेवा की है तुमने, क्या चाहिए आपको मांग लो। कुंती बेटी ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो निस्वार्थ सेवा की है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम आपको 5 मंत्र दे के जा रहे हैं, एक सूर्य भगवान का, एक वरुण देव का, एक पवन देव का, एक अश्विनी कुमार का, इस तरह 5 मंत्र दे के गए। आप इनमें से किसी देवता का आह्वान करोगे वो आपके यहाँ प्रस्तुत हो जाए। महाराज दुर्वासा ऋषि तो इस तरह आशीर्वाद दे करके, मंत्र दे करके चले गए। एक दिन कुंती बेटी यहाँ नदी में स्नान करने आई, तो यहाँ पर उनका ध्यान गया सूर्य भगवान की ओर। विचार आया कि क्यों नहीं इन मंत्रों का परीक्षण किया जाए। सूर्य भगवान का आह्वान किया, सूर्य भगवान रथमय घोड़ों के सहित यहाँ प्रस्तुत हुए। तो सूर्य भगवान ने कहा, पुत्री हमें क्यों बुलाया है? कुंती बेटी ने कहा, महाराज मुझे तो मंत्र का परीक्षण करना था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा आना निष्फल नहीं होता है, हम आए हैं तो कुछ तो मांगो। तो मना कर दिया कुंती पुत्री ने। तो उनने विचार किया कि कुंती के कोई संतान नहीं है, क्योंकि इसका विवाह भविष्य में पांडु महाराज के साथ होना है,
और पांडु महाराज को श्राप लगा हुआ है कि पत्नी के साथ संसर्ग करने पर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब इनकी संतान नहीं पैदा होना, इसलिए इनने एक पुत्र को दिया, उसका नाम करण था। और दुर्वासा वो सूर्य भगवान तो चले गए। अब कुंती बेटी को बड़ा व्याकुलता हुई कि लोक मर्यादा लोक भय, मैं कुंवारी हूँ, ये पुत्र लोक संसार क्या कहेगा। तो उनने पवन देव का आह्वान किया और पवन देव से निवेदन किया कि महाराज एक छोटा सा मंजूसा बना के इसको आप दिशा देते हुए इस नदी से आप जहाँ तक ले जाओ ले जाओ। तो ये अपनी आसन नदी है, ये क्वारी में मिलती है, क्वारी जाकर के चंबल में मिलती है और चंबल गंगा जी। इस तरह वो मंजूसा पवन देव दिशा देते हुए ले गए तो वाराणसी से आगे कोई चंपा नगरी है, वहाँ गंगा जी के किनारे पर दो दंपत्ति स्नान कर रहे थे, उनको वो मंजूसा मिल गया, वो पकड़ लिए और वहीं पर जाके कर्ण का लालन पालन पोषण हुआ है। इस तरह ये कहानी है। और कुंती मैया का ये कुंतलपुर जन्म स्थान है और कर्ण भगवान का यहाँ जन्म स्थल है, इसलिए इसको कर्णखार बोलते हैं। आज भी कर्णखार यहाँ पानी भरा हुआ है, बांध से चूँकि पानी छोड़ दिया गया है, नहीं पत्थर की शिलाओं पे अभी भी सूर्य भगवान के घोड़ों के टाप बने। हाँ, ये यहाँ का इतिहास, ये यहाँ का इतिहास। जी जी। तो दोस्तों, ये थी कुंतलपुर और कुंती मैया के इस मंदिर की कहानी। चलिए आपको वो जगह दिखाता हूँ, घोड़ों के टाप तो नहीं देख पाएंगे पर वो स्थान आप देख सकेंगे। चलिए आपको वो स्थान दिखाता हूँ। बहुत अच्छा जी। और मैया कुंती के दर्शन आप कर रहे हैं, आपके मन में जो भी मनोकामना है मांग लीजिए मैया से, और श्री राम दरबार के दर्शन आपको कराता हूँ। श्री राम का दरबार, यहाँ पे भगवान श्री राम के दर्शन और उनके दरबार के दर्शन, राम राजा सरकार के दर्शन आप कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और महाराज जी, एक आपके लिए है, गिरिराज यादव जी जिला पंचायत सदस्य, उनकी ओर से एक आपके लिए, और एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। ये बहुत अच्छा शोरूम है और यहाँ पे महिलाओं के परिधान बहुत अच्छे मिलते हैं, अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से। मेरे साथ में माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। माता जी, कहाँ से आए हैं आप दर्शन करने के लिए? हम ग्वालियर से आए। आप ग्वालियर से आए हो? ग्वालियर में किस जगह से? पीएचई कॉलोनी से। पीएचई कॉलोनी से। कोई मैया का कोई भेंट हो जाए, दो लाइन होगी भेंट। भेंट तो डाल दी। मैया ने बुलाए लाए ओ भगत भरे चेत में, ओ देवी ने बुलाए लाए ओ भगत भरे चेत में, ओ बोलो मैया रानी की जय। एक आपके लिए अनेजा मॉल ग्वालियर की ओर से, अगर आप वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर मेल प्रोग्राम का नाम लेकर आप जाएंगे ग्वालियर मेला महोत्सव का तो आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप साड़ी या कुछ भी चीज़ का आप खरीदने जाते हैं। और एक आपके लिए अलवेल सिंह घुरैया जी की ओर से, एक आपके लिए ये माता का प्रसाद। और ये दर्शन कर रहे हैं आप भगवान शंकर भोलेनाथ के, और इनकी भी एक मान्यता है, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस तरह से प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। ये तो प्रतिमा की कहानी क्या है? महाराज शिव जी की ये प्रतिमा बहुत पुरानी है, ये त्रेता युग के बताए जाते हैं। त्रेता युग, हाँ, ग्वालियर स्टेट थी तो उनके नगर रक्षक के रूप में लक्ष्मण जी के हाथ की प्रतिष्ठा बताते हैं। लक्ष्मण जी के हाथ? जी जी जी, त्रेता युग में। हाँ, और ये विशेषता ये है इनकी, सभी जगह अपन को लंबी शिवलिंग मिलेंगी लेकिन इस तरह गोल शिवलिंग के दर्शन कहीं नहीं हो पाते हैं। दूसरी मान्यता यहाँ के 80-90-95 साल के बुजुर्ग बताते हैं कि ये बहुत छोटी शिवलिंग थी, अब धीरे धीरे इनका विशाल रूप होता जा रहा है। विशाल रूप धीरे धीरे होता जा रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान शंकर महादेव के आप टीवी स्क्रीन पर, और इंडिया में पहली प्रतिमा जो त्रेता युग में स्थापित की गई थी लक्ष्मण जी द्वारा, आप दर्शन कर रहे हैं। आपकी जो भी मनोकामना है मांग लीजिए बाबा भोलेनाथ से। और कुंती मैया ने जब सूर्य भगवान का
आह्वान किया था तो सूर्य भगवान का रथ इसी स्थान पर घोड़ों पर सवार होकर और रथ पर सवार होकर सूर्य भगवान इसी स्थान पर उन्हें दर्शन दिए थे कुंती मैया जी को। आप दर्शन कर रहे हैं भगवान सूर्य देव के। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। स्थान है जहाँ पर कुंती मैया ने पवन देव का आह्वान किया था और कर्ण कुंती पुत्र कर्ण को इसी नदी में उन्होंने बहाया था और ये नदी सीधे चंबल से मिलते हुए गंगा जी में मिल गई थी और पवन देव ने दिशा दी थी कर्ण कुंती पुत्र कर्ण को जब कुंती मैया जी ने जब यहाँ से बहाया था। ये आसन नदी है, बोलो आसन देवी मैया की जय। आप जो स्थान है अभी वो पानी डैम से छोड़ने के कारण वो स्थान थोड़ा छुप गया है, पर घोड़ों की टाप अभी तक यानी कि सूर्य देव के रथ के घोड़ों की टाप अभी तक वहाँ पर निशान मौजूद हैं। अगर आप आते हैं बसैया वाली माता के दर्शन करने के लिए तो आपको हरिसिद्धि देवी मंदिर के बाद आपको राइट हैंड पर ये मंदिर मिल जाएगा, कुंती मैया का ये मंदिर मिल जाएगा, भगवान शिव का ये मंदिर मिल जाएगा पुल के जस्ट पहले। आप देख रहे हैं ये हाईवे पुल के जस्ट पहले यहाँ पर स्थित है। शादी का मंडप हो या रेड कारपेट की जर्नी, अगर आपको दिल में बसी हर ख्वाहिश है पूरी करनी तो आज ही आइए अनिजा मॉल पर, क्योंकि यहाँ है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल साड़ी, पार्टी वेयर, गाउन, एंगेजमेंट ड्रेसेस का लेटेस्ट कलेक्शन के लिए। अनिजा मॉल अपोजिट गांधी मार्केट नियर ICICI बैंक मोर बाजार लश्कर ग्वालियर। वक्त मौजूद है हम मेला महोत्सव डैन मेला महोत्सव की टीम रायसा कलेक्शन DD मॉल में। लोअर ग्राउंड फ्लोर पर है रायसा कलेक्शन, यहाँ पर आपको वैवाहिक फंक्शन या पार्टी, अगर है आपके घर में कोई वैवाहिक फंक्शन या पार्टी या किटी पार्टी या फिर बर्थडे पार्टी और आप पहनना चाहते हैं सबसे हटकर और सबसे अलग ड्रेस, तो यहाँ पर ग्वालियर का एकमात्र स्थान यानी कि रायसा कलेक्शन पर आपको मिलेंगे बेहतरीन ड्रेसेस। आप देख सकते हैं ये शानदार सूट, यहाँ पर सूट, क्रॉप टॉप और साथ में यहाँ पर आपको मिलेंगे कई सारे डिजाइन और कलर में यहाँ पर ड्रेसेस अवेलेबल हैं और साथ में यहाँ पर लहंगा और साथ में आपको मिलेगा ये नायरा कट का ये ड्रेस देख रहे हैं आप, ये गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए और ग्वालियर की मेरी जितनी भी बहनें प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए यहाँ पर शानदार कलर डिजाइन में यहाँ पर आपको ड्रेसेस मिलेंगी। और ये पार्टी वेयर ड्रेस हैं यानी कि आपके भैया की शादी है या बहन की शादी है या फिर फुप्पी के लड़के की शादी है, यानी कि आप दिखेंगे पार्टी में सबसे अलग और सबसे हट के। यहाँ पर सभी ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्रॉप टॉप के साथ में साइड लहंगे भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और ब्राइड के लहंगे भी यहाँ पर अवेलेबल हैं रायसा कलेक्शन DD मॉल में। हाँ, DD मॉल में लोअर ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर